हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना इन यूएसए। तो गाइस, एक बार मैं और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ। वैसे तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा मेरा ये मेकअप लुक देख करके, लाइक आज मैंने पूरा रेड मेकअप किया है। तो हाँ, आज का जो मेकअप है वो वैलेंटाइन डे के लिए है। जैसे कि मैंने सोचा कि अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो क्यों ना एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल बनाया जाए जिससे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। जो आज का मेकअप है उसमें मैंने बहुत ही कम मेकअप जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किए हैं, जिससे कि हर कोई कर सकता है अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने उसमें आप थोड़ा सा डिटेल में बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जा करके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप उस मेकअप ट्यूटोरियल को देखना कि मैंने कैसे रिपब्लिक डे पर मेकअप किया था। तो उसमें मैंने पूरे मेकअप जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किए थे, लेकिन इस वाले में मैंने जो मेन चीज़ होती है फाउंडेशन वो स्किप किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, मैंने विदाउट फाउंडेशन अपना मेकअप किस तरीके से ये लुक क्रिएट किया है। सी, आप देख सकते हो पूरा जो मेकअप है वो मेरा पूरा रेड रेड लुक दे रहा है। इसमें जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मैंने उस सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट। और आगे देखते हैं कि मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट किया। लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। तो मेरा मॉइस्चराइजर है वो बॉडी शॉप का है, आप कोई सा भी लगा सकते हो जो आपको पसंद है, जो आप डेली लगाते हो। सो टुडे आई एम स्किपिंग टू अप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज आई एम डूइंग मेकअप फॉर इवनिंग टाइम, एंड इफ यू आर डूइंग दिस मेकअप और लाइक सेम मेकअप फॉर डे टाइम, सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज इट्स मस्ट टू अप्लाई सनस्क्रीन। एंड वंस आई हैव अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, देन आई एम अप्लाइंग प्राइमर। जो प्राइमर होता है वो हमारे स्किन को लाइक एक बेस देता है, जिससे हमारा मेकअप होता है जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वो हमें एक स्मूथ लुक देता है। एंड टुडे आई एम अप्लाइंग कंसीलर इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन, एंड यू कैन यूज़ एनी लाइक बीबी और सीसी क्रीम जो भी आपके पास है। सो मैंने सोचा आज विदाउट फाउंडेशन मेकअप करके बताऊँगी आप लोगों को। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी वेल। आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे देन इट विल गिव यू नेचुरल लुक। सो ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और अपनी नेक में हमेशा आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन, बीबी क्रीम, जो भी आप अप्लाई करते हो, अदरवाइज आपका फेस अलग लगेगा और आपका नेक जो वो थोड़ा सा अलग लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। सो आपको अप्लाई करना है, अगर फेस में लगाते हो तो आपको नेक में, ईयर्स में, दोनों जगह अप्लाई करना है। नाउ आई एम अप्लाइंग लाइक कॉन्टोर। जो कॉन्टोर होता है वो हमारा जो फेस है उसको एक स्लिम लुक देता है, जिससे जो हमारा फेस है वो एक शेप लगता है कि मतलब एक अच्छा सा लुक देता है। अगर आपको नहीं यूज़ करना है कॉन्टोर तो यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम। इसके बिना भी आप एक बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। उसके बाद जो कंसीलर मैंने फाउंडेशन की जगह यूज़ किया उसी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी अपने नोज़ पे, और अपने जहाँ पे मुझे आई शेडो मतलब यूज़ करना है आइज़ में, वहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा एज अ बेस उसको अप्लाई करूँगी, जिससे जो आई शेडो होता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इससे क्या होता है, हम जो भी यूज़ करते हैं लाइक आई लाइनर, आई शेडो, तो अच्छे से ब्लेंड होता है और वो बहुत एक अच्छा लुक देता है। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग लूज पाउडर। सो यू कैन यूज लाइक कॉम्पैक्ट और फेस पाउडर, वट एवर यू हैव। सो इसको मैं अभी अच्छे से ब्लेंड नहीं करूँगी, इसको मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तब तक मैं अपना जो आईब्रो है उसको अच्छे से फिल करूंगी। सो आप अपने आईब्रोज के अकॉर्डिंग ही कलर चूज़ करें, लाइक मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ। नाउ आई एम फिलिंग माई आईब्रोज, आई एम यूजिंग लाइक ब्लैक कलर, मोस्टली मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करती हूँ। आपको अपने आईब्रोज के कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, लाइक आप अगर ब्राउन कलर यूज़ करते हो तो आपको ब्राउन कलर से अपनी आईब्रोज फिल अप करनी है।
और गाइस ये स्टेप आपको अच्छे से करना है, अदरवाइज ये बहुत ऑड लगता है अगर आप बिल्कुल ही अलग कलर चूज कर लो। मैं एलए कलर्स का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, और इसी को बाद में मैं ऐसे आई शेडो भी यूज़ करूँगी। अब मैं अपना जो पाउडर उसको अच्छे से सेट करूँगी, इससे क्या होता है जो हमारा कंसीलर है जो हमने फाउंडेशन कुछ भी लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाता है, बाद में अच्छे से सेट कर लेना है हमें। उसके बाद मैं एज अ ब्लश आज मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास ब्लशर नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। आज मुझे रेड लुक देना है तो मैंने रेड लिपस्टिक यूज़ की है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो गाइस लिपस्टिक भी एक ब्लशर का बहुत ही अच्छा काम कर लेता है। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, मैं सिल्वर कलर का हाइलाइट यूज़ करती हूँ। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कर लें, आप गोल्डन हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो गोल्डन कलर का। आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है स्किन के वो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही करना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो हमारी स्किन को हार्म भी नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमारे स्किन में क्या कौन से प्रोडक्ट सूट करते हैं, तो हमें वही यूज़ करने चाहिए। अब मैं आई मेकअप करूँगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक जो मैं शेड यूज़ करूँगी वो है लाइट पिंक। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग लाइट रेड कलर। आज मैंने लिटिल बिट स्मोकी आई लुक देने का कोशिश की है मैंने। गाइस मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं जो भी करती हूँ तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इससे आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अब मैं एज अ आई लाइनर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने पहले यूज़ किया एल ए कलर का, एल ए कलर्स का जो शेडो जिससे मैंने अपनी आईब्रोज फिल की, उसी से मैं अच्छे तरीके से इसको एज अ आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये ब्लेंड करना है, तो फिर अगर वो लिक्विड होता है तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप इसकी जगह काजल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास काजल जो पेंसिल होती है उसको यूज़ कर सकते हो, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप आई शेडो लगाते हो उसका जो मेन स्टेप है आपको अच्छे से उसको ब्लेंड करना होता है, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छे से करना है। तो अच्छे से मुझे इसे ब्लेंड कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने ब्लैक कलर लगाया उसी के ऊपर मुझे थोड़ा सा डार्क शेड देना है, तो इसलिए मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने एलए कलर्स का आई शेडो लिया उसका जो ब्लैक कलर एक लिटिल बिट ग्लिटर लुक है उसका, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ।
वो आपको थोड़ा सा शाइनी लुक देता है। काजल अच्छे से अप्लाई करूंगी। जो मैंने आज काजल यूज़ किया है लिटिल बिट बोल्ड काजल लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा जो अपना आइज का लुक देना है वो स्मोकी देना है। अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब मैं ग्लिटर कलर यूज कर रही हूँ, ग्लिटर आई शेडो पैलेट। तो इसमें मैं रेड, क्योंकि मुझे आज रेड लुक देना है, तो मैं जो रेड ग्लिटर कलर है उसे यूज कर रही हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, इससे जो आपकी आईज होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है लाइक ग्लिटर कलर यूज करने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक लाइक मैंने जो ऐसे ब्लशर यूज किया वही वाली लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ। ये रिमेल की है, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज चेक इट आउट। आपको सभी जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। तो गाइस मैंने जो अपना पूरा रेड लुक क्रिएट किया है, आप भी ज़रूर ट्राई करना वैलेंटाइंस में, और कमेंट में बताना कि आपको जो मेरा मेकअप है वो कैसा लगा। तो मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। क्या होता है कि हमारी जो आईलैशेस है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस मेरा ये मेकअप लुक पूरा हो चुका है। लास्ट में मैं सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से छोटी छोटी जो हेल्पफुल वीडियोस होती है वो लेकर के आऊँगी। तो इसी के साथ ही आज के लिए बाय बाय।